Welcome to my channel once again. I will show you how to make a caramel and blackjack in this video. So keep on watching till last and आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से blackjack बना सकते हैं. तो चलो start करते हैं. To make a caramel, सबसे पहले आपको करना होगा क्या, आप एक इस तरह का नॉन स्टिक पैन लेना होगा आपको और इसे जला के हम लोग इसे वार्म करेंगे. फिर हम लोग ने लिया ऐसा शुगर लेना है आपको और इसके अंदर ऐसे डालेंगे. इसके बाद यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट वेट. आपको इसके बाद आपको एक बार भी स्पून से स्टर नहीं करना होगा, आपको बस बीच बीच में आपको इस तरह से बस हिलानी है और कैरमल खुद से ये बनता चला जाएगा और शुगर जब वो धीरे धीरे मेल्ट होगी खुद से कैरमल बनेगा. सो नाउ यू कैन सी ये साइड से हमारा शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है. तो हम लोग इसे कुछ नहीं करेंगे, बस इस तरह से पैन को हिलाते रहना है आपको. तो आप देख सकते हो हमारा कैरमल धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया. आप कैरमल का कलर वन एकदम बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है. सो मैं इसे अभी फ्लेम से हटाऊंगा और बता दूं आपको, अगर आपके पास शुगर थर्मोमीटर है देन यू कैन मेजर इट. ये अभी 147 से 160 के बीच में होता है जब ये, तो ऐसा कलर आता है. सो आई विल रिमूव इट द फ्लेम और मैं इसको आपको कलर दिखाऊंगा. आप देख सकते हो इसका कितना बढ़िया कलर आए. और इसे अगर आपको थोड़ी देर और पकाओगे तो ये और भी डार्क कलर आएगी. तो मैं इसे थोड़ा और भी डार्क कलर करने के लिए इसे फ्लेम पे और थोड़ी देर पका रहा हूँ. सो अराउंड 160 टू 170 जब आप करते हो देन ये और भी डार्क कलर आएगी. तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के आप कैरमल सिरप बना सकते हो. अभी आप देखो इसका कलर में कैसा चेंजेस आ रहा है. तो पहले ये कितना लाइट था, अभी और ये डार्क आ रहा है. और मैं अभी आपको आज ब्लैक जैक बनाना दिखा रहा हूँ. सो मैं इसके अंदर और भी से अच्छी तरह से मैं पका रहा हूँ. 170 से ऊपर आप जब जैसे ही हमारा टेम्परेचर जाता है तो ये शुगर ना बिल्कुल ब्लैक कलर टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा. तो मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊँगा तो ये अभी ब्लैक कलर में कैसा चेंज होगा आप देखना. ये ब्लैक जैक को जब आपका रेडी हो जाएगा आप इस ब्लैक जैक को कलरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ब्रेड में डाल सकते हो और फिर किसी इस तरह का डिशेज होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आपको जमैकन चिकन में आप इसे डाल सकते हो. ये बहुत ही अच्छा कलर देता है. सो आप देख सकते हो हमारा शुगर का कलर कैसा चेंज होता जा रहा है. सो नाउ व्हाट आई विल डू इसके अंदर मैं थोड़ा सा भी पानी डालूंगा और इसको पानी डाल के धीरे धीरे स्लो फ्लेम पर सिमर करूँगा और पकाऊँगा. आपको बहुत ही ध्यान से जब आप पानी डाल रहे हो आपको ध्यान देना होगा क्योंकि पानी डालने का बहुत ही ऊपर आ रहा है. स्लोली आपको इधर से पानी डालनी है और इस तरह से एक बार फिर से पैन को बस मूव करते रहना है. जब आपने पानी डाला मेक श्योर उसके अंदर आप कभी भी स्टर नहीं करना वरना ये शुगर आपके हाथों को जला देगा. और इस तरह के शुगर को हम लोग बॉन्ड शुगर ही बोलते हैं या ब्लैक जैक बोलते हैं. जैसा मैंने बताया आपको ये बहुत ही अच्छा कलर देता है किसी भी फूड पे डालने से. इनकेस आपको कोई डार्क कलर ऐसा चाहिए तो उसके इसमें आप इसे डाल सकते हो और ये अच्छा फ्लेवर भी देता है. ये बेसिकली आप क्रिसमस केक में आप इसे बहुत ही अच्छा कलर देता है. जब आप क्रिसमस केक प्लम केक इस तरह का बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा कलर देगा. तो आपको पानी डाल के आपको इसे अच्छी तरह से पकाना है. जैसे आप देख सकते हो मैंने इसे बहुत अच्छा से मैं इसे पका रहा हूँ. आप देख सकते हो ये धीरे धीरे इसका कलर कितना डार्क हो रहा है. मेक श्योर आप जब शुगर में आपने जब पानी डाला है, अगर आप 100 ग्राम शुगर लेते हो तो आपको 100 ग्राम तक पानी डालनी होगी और इसे 20 से 25 मिनट तक अच्छे से पकाना है. जब आपने पानी डाला उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको 20 से 25 मिनट तक आपको पकाना होगा. धीरे धीरे इसका कलर आप देख लिया ना कितना डार्क और ये बहुत ही देखो आप ये देख सकते हो कैसा इसका कलर चेंज होता जा रहा है.
बस आपको बीच बीच में से इस तरह से टर्न करना है और ऊपर से जाना है। सो 20 से 25 मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारा ब्लैक जैक अभी बिल्कुल ठीक हो गया है और ये अभी तैयार है। तो मैं आपको इसको मैं अभी फ्लेम बंद कर दे रहा हूँ। स्टिल ये अभी इतना गर्म है, ये धीरे धीरे कुक हो रहे हैं, तो आपको इसे धीरे धीरे ठंडा करना होगा इसे स्टर करके। और मैं अभी आपको इसका कलर दिखाता हूँ। जैसा मैंने बताया आपको, ये आप कभी भी प्लम केक में या किसी इस तरह का फूड जिसमें आपको कलर ऐड करना है और आप नेचुरल कलर, आपको डार्क कलर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो हमारा डिफरेंस, ये रेगुलर कैरमल जो आप कैरमल कस्टर्ड में डाल सकते हो या किसी तरह का पुडिंग्स में डाल सकते हो, ये डार्क कलर है। अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारा ब्लैक जैक है जो आप किस तरह के केक्स में या फिर किस तरह के जमैकन चिकन में या किस तरह फूड में ही डाल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट और कलर आपको देता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगे, पसंद आया। एंड डेफिनेटली आपको ये जब भी आप यूज़ करोगे तो आपको हेल्प करेगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।